दोस्तों, एक शहर है नाम इंदौर, जिसे पिछले 6 साल से भारत का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिलते ही जा रहा है। मिला है ना 5 बार, नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। और लोग हर बार के अनाउंसमेंट के बाद हैरान रहते हैं कि इंदौर जैसे एक साधारण शहर में आखिर ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। तो इसके पीछे इंदौर वासियों ने जो किया है उसकी भी अपनी एक कहानी है। इसकी शुरुआत शहर से डस्टबिन के हटाए जाने और हर एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके डिस्पोजल से हुई। साल 2016 में इस शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाया जाने लगा था। हालांकि साल 2019 आते आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उसके सही इस्तेमाल की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है कि कई शहर वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 27 लाख की आबादी वाले शहर से रोजाना 1150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से आधा कचरा बायो वेस्ट होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं, और वो कौन कौन सी पहल है आइए जानते हैं। रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे इंदौर को साफ रखने के लिए गाने बजाते हुए गाड़ियों, सड़कों और गली मोहल्लों में लगातार फेरे लगाती रहती हैं। इन धीमी चाल से चलती इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर्स में कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने और शान की आवाज में हल्ला हो हल्ला, इंदौर को स्वच्छ बनाना है अब हमने ये ठाना है बचता रहता है। ये गाड़ियां दिन भर में इतने फेरे लगाती हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को दोनों सफाई वाले गानों के बोल रट गए। एक तरह से जैसी आवाज वहां के लोगों के कानों में जाती है, उनका ब्रेन तुरंत आसपास के कचरे को उनके हवाले करने लग जाता है, क्योंकि अगर बात सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई तो कचरा हटाने से होती है। इसलिए आपको बताएं कि इस वक्त इंदौर शहर के हर घर से कचरे को जमा किया जाता है, और अगर इसमें हर घर कहा जा रहा है तो कोई सरकारी कागज का लिखा आंकड़ा नहीं बल्कि रियलिटी है। अब इस इकट्ठेपन में ये नहीं है कि कचरा बस इकट्ठा ही किया जा रहा है और उसे नाक की उंगली पर रख के कहीं भी डंप किया जा रहा है। इसीलिए इसे इकट्ठा करते टाइम ही इसे गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है जो शायद हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को इसके बारे में वक्त के साथ एजुकेट किया गया है। शुरुआत में 80% लोग गीला सूखा कचरा एक ही साथ रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है। लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही कचरा अलग अलग मिलने लगा है, ऐसा नगर निगम का दावा है। इंदौर का हर दफा पहले पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि वो दावा सही साबित हो रहा है। अब इसके बाद कचरा ठीक से अपने डस्टबिन तक पहुंचे, इसके लिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी आप गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। यानी कि नगर निगम की जो भी गाड़ी शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इस शहर में 8,000 से ज्यादा सफाई मित्र भी हैं, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी शहर के बारे में सफाई से रिलेटेड कोई राय बनाते हो तो ये शहर साफ था या गंदा आप उसकी सड़कों को ही देखते हो। अगर आप कभी इंदौर जाते हैं तो आपको इंदौर में आमतौर पर सड़कें साफ और चमकती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये सड़क की चमकान सिर्फ किनारे पर धूल उड़ाते हुए झाड़ू मारने से नहीं आती है, बल्कि इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं, जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक सड़क, डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती हैं। और तो और, इस काम में 400 लीटर पानी लगता है। अगर आप पानी की बर्बादी पर ज्ञान देने लगे तो आपको बता दें कि इसमें लगने वाला अधिकतम पानी रिसाइकल किया हुआ होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद के धूलों के कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। एक और शुरुआत की बात करें तो इंदौर में बीते कुछ सालों में थैला बैंक और बर्तन बैंक शुरू हुआ है, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है, और इस कहे को लोग सुनते भी हैं। अब आप कहेंगे कि किसी भी शहर में गंदगी ना हो, लेकिन सड़कों पता जरूर होगी। पर आपको ये बात हैरान करती है कि इंदौर ने सब्जी मंडी के बचने वाले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्लांट इस तरह के कचरे से इतना सीएनजी बना लेता है कि शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कचरा कितने काम का है। और तो और, वहाँ के नगर निगम ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है, उन्हें प्रशिक्षण और पहचान पत्र देकर कचरों के कैटेगराइजेशन का काम सौंपा। वो कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सीसा और मेटल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। इसके बाद इन कचरों को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बात अगर प्लास्टिक की करें तो हर रोज प्लास्टिक के 100-100 किलो के ब्लॉक पास ही के एक सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं,
जहाँ इसका उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। इसके अलावा इकट्ठा हुए प्लास्टिक में से कुछ अच्छे किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। और तो और, नगर निगम खुद ही एक सेंटर बनाकर वहाँ पर कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कचरे को लेकर वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में आपको बताएं तो इंदौर के कई घर हैं जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले गीला और सूखा कचरे के रूप में छांटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। कॉलोनी के भीतर ही कंपोस्टिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। एक और बात आपको बताएं तो इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन स्वाहा के जरिए मोबाइल कंपोस्टर बनाया गया है। अब इसमें स्मार्ट क्या है, अगर इसे समझें तो इस उपकरण के जरिए व्यावसायिक इलाकों से कचरे को इकट्ठा कर गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदला जाता है। स्वाहा 8 से 10 टन तक कचरा इकट्ठा कर रोज इसे खाद में बदल रहा है। इन उपकरणों का उपयोग कमर्शियल एरियाज के अलावा बड़े रेजिडेंशियल और होटल्स में भी हो रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कचरे के पीछे पूरा पूरा इंदौर पड़ा हुआ है। इसीलिए इंदौर का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरा इकट्ठा करके एक जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा है, लेकिन उस कचरे को उसी जगह यानी कि सोर्स के पास ही निपटारा करने से ये खर्च कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर कचरा घर पर ही खत्म हो जाता है तो उसे उठाने से लेकर उसे मॉनिटर करने तक की चीजों में कमी आएगी। इसलिए इंदौर नगर निगम हर साल 10% की दर से कचरा डिस्पोजल पर खर्च में कमी करना चाह रहा है और इस खर्च के साथ ही घरों में डिस्पोजल होने वाले कचरे से खाद बनाने के काम में शहर के 29,000 घर लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने पर जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना इंदौर में खाद के रूप में तब्दील हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो आप पाएंगे कि इंदौर में सफाई को लेकर लोग काफी एक्टिव हैं और उनके पास संसाधन भी मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि देश भर के हर शहर के हर नगर निगम को लगभग इतनी सुविधाएं मिली होती हैं, लेकिन उसके बाद भी काम न करने की वजह से वो सिर्फ सड़ते रहते हैं और जो चीज कचरा साफ करने के लिए बनी थी वही चीज खुद कचरा बन जाती है। अगर आप इस बात पर कुछ नहीं तो अपने सड़कों के किनारे कूड़े या फिर सड़कों पर मौजूद पब्लिक टॉयलेट की हालत को ही देखें तो शायद आप उसमें जाना पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंदौर में पहले तो हर 500 मीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कभी कभी तो आपके घर के टॉयलेट से भी साफ मिलेगा, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं अगर आप इंदौर से नहीं है तो। और तो और, हर टॉयलेट में आपको फीडबैक के लिए नंबर भी दिख जाएगा, जिससे कि अगर आपको टॉयलेट में कोई भी गंदगी दिखती है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही शहर थोड़ा शांत होता है और लोगों की आवाजाही कम होने लगती है, वैसे ही रात में 10 बजे के बाद आपको वेल मैनेज्ड सफाई की मशीन सड़क साफ करते हुए मिल जाएगी, जिस कारण सुबह सुबह हर सड़क साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन ये सभी काम पॉसिबल हो पा रहे तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, और वो है यहाँ की जनता का सफाई कर्मचारियों के प्रति नजरिया। आमतौर पर किसी और शहर में सफाई कर्मचारियों को लोग कुछ नहीं समझते और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन अपनी सफाई कर्मचारियों को इंदौर में अब बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। और तो और, इंदौर में बहुत सी कॉलोनीज में 26 जनवरी और 15 अगस्त को सफाई कर्मचारियों से ही ध्वजारोहण करवाया जाता है। इन चीजों से उन्हें बेहद सम्मान मिलता है और वो लोग पूरी लगन से अपना काम करते हैं। यानी एक तरह से देखिए तो यहाँ सफाई करने का काम को कोई छोटा मोटा नहीं समझा जाता है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि जापान में भी है, जहाँ सफाई को एक जरूरी एजुकेशन की तरह से बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उन्हें अपने आसपास सफाई रखने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में भारत के बाकी शहरों को भी इंदौर से सबक लेकर सफाई व्यवस्था को समझना चाहिए। खैर, आपका शहर कितना साफ है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।